घर में पूजा का सही तरीका। हर घर में मंदिर अवश्य होता है, जहां घर के सदस्य रोजाना नियमती रूप से पूजा अर्चना करते हैं। किंतु घर पर पूजा करते वक्त कोई भी पूजन के नियमों का पालन नहीं करता, जिस कारण उन्हें अपने कार्यों में मनवांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसा सही ज्ञान का ना होना है, किंतु आज हम आपको कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनको घर में पूजा करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, आप भी इन्हें अवश्य अपनाएं। एक, मूर्तियां। घर के मंदिर में ज्यादा बड़ी मूर्तियां कभी भी ना रखें। वहीं अगर आप शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो उसका आकार भी आपके अंगूठे से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे भी शिवलिंग अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए छोटे शिवलिंग का इस्तेमाल ही उचित है। दो, पूजा के समय मुख। किसी भी कार्य के लिए मुख की दिशा को अवश्य निर्धारित किया जाता है। पूजा के समय भी मुख का सही दिशा में होना अनिवार्य है, तो अपने घरों में मंदिरों का निर्माण इस तरह कराएं कि पूजा के समय आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो। तीन, मंदिर का स्थान। जैसा कि हमने अभी बताया कि मंदिर पूर्व दिशा में उत्तम होता है, किंतु इस बात का भी ध्यान रहें कि घर में रोशनदान की व्यवस्था इस प्रकार हो कि मंदिर में अधिक से अधिक समय तक सूरज की रोशनी और ताजी हवा आए। इस तरह मंदिर की स्थापना कराने से आपके घर के सभी दोष दूर होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास होता है। चार, घंटी। घर में मंदिर बना देने से ही आपका कार्य पूरा नहीं होता, बल्कि आपको रोजाना मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही मंदिर की घंटी का इस्तेमाल भी अवश्य करें। आप घंटी को लेकर पूरे घर में भी बजाएं, ताकि घंटी की आवाज से घर का हर कोना शुद्ध हो जाए। पाँच, फूल। पूजा हमेशा ताजा फूलों, पत्तों और जल से ही करनी चाहिए। इसीलिए पूजा के लिए तुलसी के पत्ते और गंगाजल को अधिक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वे कभी बासी नहीं माने जाते, किंतु शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्ते निषेध है। इसके अलावा आप सूंघा हुआ फूल या खराब फूल भी पूजा के लिए प्रयोग में ना लाएं। छह, जूते चप्पल। मंदिर एक पवित्र स्थान है, इसलिए उसके पास कभी भी चमड़े के बने सामान जैसे जूते चप्पल इत्यादि नहीं लेकर जाने चाहिए। साथ ही मंदिरों में अपने मृत परिजनों और पूर्वजों की तस्वीर भी ना रखें। इसे ईश्वर का अपमान माना जाता है। अगर आप घर में मृत परिजनों की तस्वीर को लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए दक्षिण दिशा की दीवार का इस्तेमाल करें। साथ, शौचालय। मंदिर के आसपास शौचालय का निर्माण भी कभी ना कराएं। अगर बेडरूम में ही पूजन कक्ष है, तो बेडरूम में बाथरूम ना बनवाएं। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और धन मान हानि होती है। आठ, मंदिर को ढक दें। जिस प्रकार हम चाहते हैं कि सोते वक्त की हमें परेशान ना करे, ठीक उसी प्रकार देवी देवता भी यही चाहते हैं, तो आप उनके घर अर्थात मंदिर में रात के समय पर्दा लगा कर रखें, ताकि वे भी विश्राम कर सकें। नौ, गौमूत्र। साल में एक बार अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव अवश्य करें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और वातावरण शुद्ध व सकारात्मक रहता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि गौमूत्र में देवीय शक्तियां होती है और इसके चमत्कारिक आशीर्वाद से घर के हर सदस्य पर एक खास ऊर्जा और विशेष कृपा बनी रहती है। 10. खंडित मूर्तियां। अगर मंदिर की कोई मूर्ति खंडित हो गई है, तो आप उसे तुरंत मंदिर से हटाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दे, क्योंकि खंडित मूर्तियों का मंदिर में होना बहुत अशुभ माना जाता है। बस शिवलिंग ही ऐसा है जिसे कभी भी खंडित नहीं माना जाता। 11. फूल अर्पण। देवी देवताओं की मूर्तियों पर फूल चढ़ाने के लिए आप दाएं हाथ की अनामिका उंगली और अंगूठे का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रहे कि फूल की कलियां बिल्कुल ना चढ़ाएं। 12. तुलसी। तुलसी की महिमा से सब परिचित है, इसीलिए पूजा में भी इसका अपना ही विशेष स्थान है और इसके बिना पूजा को पूर्ण तक नहीं माना जाता। अगर फूलों के स्थान पर तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाए, तो वो अधिक लाभदायी मानी जाती है। किंतु ध्यान रहे कि मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, एकादशी,
पूर्णिमा, अमावस्या, रात्रि और संध्या काल में तुलसी ना तोड़े। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।